थोड़ा सा इधर आइए ना, इधर कल्याणी यार डाउन नीचे नीचे। अरे मैम यहाँ पे देखे ही नहीं, इधर देखिए सेंटर में बिल्कुल एडवांस। अरे अभी नहीं रे, साथ में करते बाइट, अभी चलना उसको करने के लिए। नीचे कर जा रहा, एक मिनट वेट वेट वेट। अरे तो लाइट तो दे दे भाई, या तो बंद कर दे। मैम जिस तरीके से आपने दोस्ती का टैग दिया, जानकर अच्छा लगा। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे से बात कर पहुँच गए तो एज एन एक्टर आपको देखकर क्या महसूस कर रहे हो? आपने टीम पर देखते हैं एज एन एक्टर, मुझे जय आनंद क्या लगता है एज ए दोस्त? यार आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मैंने उसे देखा है बहुत मेहनत करते हुए। वो सोता नहीं है बंदा, मुझे समझ नहीं आता कि वो कैसे प्रोसेस कर रहा है। मैं दो दिन से सोई नहीं हूँ एंड आई फील कि अभी मैं होश ना हो जाऊँ। एंड आई फील कि 10 महीने से वो 4-4 घंटे की नींद में शूट में जा रहा है और वापस आके अपने टाइम में बैक प्रमोशंस करता है। एंड ही इज डूइंग सो मच इन लाइफ कि मुझे सिर्फ उसके लिए प्राउडी वाली फीलिंग आती है और ऐसा लगता है यार मेरा कुछ होना हो इस बंदे का जरूर हो, बिकॉज ही डिजर्व्स द वर्ल्ड। एंड वे इज वर्किंग हार्ड फॉर थिंग्स ही लव्स। और उसका बहुत बार हमारी बात भी हुई है, मैं उसको पूछती हूँ कि तेरा सपना क्या है, व्हाट यू रियली वांट टू बिकम। इट्स लाइक कि मुझे बस फाइनेंशियली केपेबल होना है कि ताकि मेरी फैमिली को तो मैं एक ट्रिप पे लेके जा सकूँ, क्योंकि आज तक वो इंडिया के बाहर नहीं हुआ। तो ऐसी चीज़ें मैं सुनती हूँ, मुझे लगता है कि यार मैम ही डिजर्व द वर्ल्ड जेन्युइनली, ही इज सच एन अमेजिंग गाय। उनकी वजह से ऑडिशंस देखने में बहुत मजा आता था, जैसे क्वेश्चंस पूछते थे या क्योंकि वो ना बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं और इंस्पायर करती हैं वो चीज़ें, जो उनके क्वेश्चंस भी होते हैं वो इतने इंस्पिरेशनल होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जो मसाला है एंड जो मिठाई है दोनों वापस आ चुकी है रोडीज में, एंड इट्स गोइंग टू बी अ हिट सीजन फॉर श्योर। एंड आल्सो आई एम गोइंग देयर टू साइड ऑफ द हिट टू लाइक जो साइड में क्या आप खबरें खबरें उतारने वाले तो कुछ भी कहते हैं आप दोनों, आई बिलीव जस्ट कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स एक्चुअली परमानेंट। एंड अभी हम लोग अपने करियर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा डेटिंग वेटिंग का कुछ ऐसा है ही नहीं। या मतलब वही होता है। एंड तो अभी फिलहाल यही है कि हम लोग अपने करियर्स पे फोकस कर रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बाकी यार जिसको रहना होता है वो तो आप बिना रिश्ते के भी आपके साथ रहता ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। जिसको जाना होता है वो चला जाएगा, बट जो हमेशा आपके साथ टिका रहता है वो कभी नहीं। हमने यहाँ देखी यहाँ पे राइट में फोन लाइट ऑन किया अभी नीचे पब्लिक तो आ रही है। लुक सेंटर वैसे भी यार कल रहा ही है और दो आर्टिस्ट और आया है। हाँ वेट 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 क्या हस्बैंड का वेट हुआ नहीं अभी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाँ वही बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी है। ए रे वेट ना 10 सेकंड बाद हाँ यहाँ देखिए सेंटर में राइट थैंक यू सर थैंक यू।
भैया वन मोर टाइम, थैंक यू, थैंक यू भाई। अरे कैमरा लुक सैमसंग सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो भाई मेरे दोस्त का बर्थडे है और मेरा दोस्त बनारस का है और मैं भी बनारसी हूँ और यहाँ पे आके मुंबई में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतना प्राउड फील हो रहा है। हम जब बनारस में थे तब मैं कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था और मैं कर रहा था, मतलब मेरा ठीक ठाक चल रहा था। ऋषभ ने स्टार्ट किया था, वहीं से शुरुआत की थी, हम मिले थे, फिर वो कंटेंट बनाना शुरू किया, उसके बाद वो मुंबई आया, फिर उसने बहुत सारे टीवी शोज़ किए। आज तो मतलब हर कोई उसको जानता है, हर कोई उसे पहचानता है, हर कोई उसे सेल्फी लेना चाहता है। बहुत प्राउड फील होता है इसलिए क्योंकि मैं भी बनारस का हूँ, वो भी बनारस का, और हम लोग पहले से एक दूसरे को जान रहे हैं जब दोनों कुछ नहीं थे। आप कोई टीवी शो करना पसंद कर रहे हैं, टेलीविजन शो ऐसा अनुपमा या रियल? अरे काम तो कुछ भी हो जरूर करेंगे, मैं किसी काम को ना नहीं कहता, अनटेनलेस काम, और काम कोई ख़राब और अच्छा नहीं होता, मतलब सब अच्छा ही होता है। तो बस एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, कोई भी काम आया मैं सबके लिए राजी हूँ, देख लो बस अपने हिसाब से। शायरी चलो। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। ये जो लम्हा है चलो हंसकर बिता ले, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। थैंक यू सो मच। एक स्टेप पीछे चले जाइए। अरे बस करना यार, लाइट नहीं पहुंच रहा, पीछे क्यों भेज रहा है? यहाँ पे डाउन डाउन मैम, लुक कैमरा, लुक एक म्यूचुअल करते ना। अरे अरे भाई बाइक नहीं हो रहा है, यहाँ म्यूचुअल होने थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो ऋषभ अगर तुम ये देख रहे हो तो विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली मैं और ऋषभ बनारस के फ्रेंड्स हैं, वी यूज टू शूट कॉन्टेंट टुगेदर इन वाराणसी एंड नाउ वी आर टुगेदर इन मुंबई, तो आई होप आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट भी देखने को मिलेगा। एंड येस आई सुपर एक्साइटेड फॉर द पार्टी बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद ऋषभ से मिल रही हूँ, सो येस लेट्स हैव द पार्टी। यार एक तो मैं ऋषभ से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ ना, तो मैं हूँ तो बहुत सुपर एक्साइटेड बिकॉज ऑब्वियसली हमें, वो भी एक्टर है मैं भी एक्टर हूँ, हमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं कभी साथ में, बट उसका बर्थडे एक बहुत स्पेशल इवेंट है, बहुत अच्छा ओकेजन है, तो वी आर प्लानिंग टू मेक मेमोरीज, मेक लॉट्स ऑफ रील्स, जो आप लोग देखो इन्जॉय करो और हम बहुत सारे मजे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने इतना अप्रिशिएट किया है मेरे पेज को, मेरे काम को। गाइज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आई होप आपको बहुत अच्छी अच्छी रील्स और बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देखने को मिलेगा एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। गाइज खुश रहो बस, सब कुछ अच्छा होता है, बस जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है ये सोचकर खुश रहा करो, बस मेरा तो यही फंडा है भाई। मैं बनारसी हूँ, मैं बॉम्बे आके भी अपना ही फंडा फॉलो करती हूँ, चेंज मत होना कभी भी, दैट्स इट, थैंक यू बाय।
थोड़ा सा आ गया, बोला नहीं एक स्टेप बस थोड़ा सा आ गया, थोड़ा लेफ्ट में आ जाइए। अच्छा सेंटर राइट राइट, आप सामने देखिए कैमरा में, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट साहब, एक से बढ़कर एक है। वेट सोलो मेरा सोलो हो चुका है। हां मैम को एक बार वापस कर दो। आप लोगों को इनको जानते हैं? हां सब जानते हैं। हां उनको सब जानते हैं। हां तो सेट पे आते हैं। हां वो टीवी का करते हैं ना इसके लिए हमारे पास टाइम। मैम सेंटर लुक ये कैमरा बस सेंटर कैमरा I really feel blessed because एक शो के बाद जल्दी से दूसरा शो करना और वो कैरेक्टर को पसंद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बट लोगों को मेरा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है नेगेटिव होने के बाद भी। आई मीन जब नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो लोग उसे इतना पसंद नहीं करते हैं, बट इन माई केस इट्स ऑपोजिट, पीपल आर लविंग इट। सो आई रियली फील ब्लेस्ड दैट आप सबको मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग ग्रेटफुल कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है उस चीज़। ऋषभ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है। आई मीन द वे ही इज सिंपल, यू नो, मतलब वो दिखता है ऐसा है बट मतलब वो जो अच्छे इंसान होते हैं ना, आई कैन डिस्क्राइब ऋषभ इन दैट। सो इसलिए मैं एक्चुअली ऐसे पार्टीज अटेंड करती नहीं हूँ, बट देन ऋषभ का बर्थडे था सो मैंने सोचा कि शूट से मैं डायरेक्टली बाहर चली जाऊँ। सो इट्स फाइन। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम कि वो वहाँ पर है एंड ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। आई फील कि बहुत अच्छा कर भी रहा है एंड आई नो दैट वो जीतेगा बिकॉज ही नोज हाउ टू प्ले एंड आई नो ही विल डू बेस्ट। जिस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन हुआ आई थिंक वो पास्ट में जो हो गया है हम उसे पास्ट में ही रहने देते हैं बिकॉज ऑब्वियसली उस बात को भी अभी हो जाएगा 6-7 महीना। सो उस बात के बारे में क्यों बात करना जो बात हो चुकी है। सो बिकॉज हम दोनों भी अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, ही इज़ डूइंग बिग बॉस, आई एम डूइंग अ शो, सो उसके बारे में बात करके आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। अभी तो नो कमेंट्स ऑन दैट बिकॉज आई एम ओनली डूइंग अ शो, सो आई डोंट नो, मे बी नेक्स्ट ईयर देखते हैं इफ मन किया तो, जो भगवान चाहे। किस तरीके से सपोर्ट कर रही हैं? अरे हम तो फुल सपोर्ट कर रहे हैं उसे, लाइक मेरी पूरी फैमिली, हम जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं फुल सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी नो दैट ही विल डू ग्रेट एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट, सो आई नो कि वो अच्छा ही कर आएगा। भाई गेस करो क्या हो रहा है। अरे मैडम नहीं कुछ और है उससे बढ़कर है। अरे कौन है वीडियो बना के मैडम बोल। नहीं कुछ और कुछ और है आपके उसकी फट गई है भाई। नहीं आप बोलो कोई तो सर को गेस करने दो, टाइम दो थोड़ा।
अरे किशन, अरे क्या हुआ? आ रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे इसका आगे मत जा रहा है। ए यार, अरे उसको इधर से जाने दे, इधर का अदनान। अरे उधर चल। अरे कहाँ आगे जा रहा है? पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो। अरे बिलाल भाई, अरे पीछे रहो रे। अरे भाई, दो, तीन। बहुत अच्छा सरप्राइज है, इतने सारे कैमरास हैं, महंगे महंगे। म्यूजिक बंद करो म्यूजिक। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ओके, साथ में फोटो करते, बोलो ना मैम, एक साथ में फोटो कर देना, साथ में साथ। सर सामने, इधर इधर इधर। भाई सेंटर में, सेंटर में भाई, एक स्टेप हो जाए भाई, एक स्टेप, एक स्टेप हो जाए, एक स्टेप। पार्टी तो अभी शुरू होगी, हम लोग तो अभी आए हैं, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। या विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। या अभी पार्टी शुरू होगी। आई थिंक दैट्स रियली गुड, ही इज डूइंग रियली ग्रेट, इवन श्रेया इज डूइंग रियली ग्रेट। इतना अच्छा सरप्राइज रखा है इन्होंने, आई थिंक एवरी गर्लफ्रेंड शुड डू दैट। एंड I just wish him all the best. He is one of, I think, one of very down to earth kind of person, and I like that thing about him. भाई शादी सबको अपने हिसाब से करनी चाहिए, जिसको जो है सही टाइम लगे, कभी किसकी उम्र होती है, कभी किसकी उम्र होती है, जब दे आर रेडी एंड दे वॉन्ट टू सेटल डाउन, आई थिंक उनको चाहिए। मैं अपने आई थिंक आई एम ओपन फॉर ऑल द गेट्स, जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आएगी ऑफकोर्स आई विल रिस्पेक्ट दैट एंड आई विल बी ओपन फॉर इट एंड डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर इट। अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ आने वाला है एंड यू विल गेट टू नो। थैंक यू, थैंक यू।
hear your voice. I can't. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ऋषभ और श्रेया से ऐसी पहले बॉन्डिंग नहीं थी बट स्टिल शी इन्वाइटेड मी सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे टू ऋषभ गॉड ब्लेस हिम विथ लॉट ऑफ सक्सेस या दैट्स इट नहीं मैं मुंबई तो पहले भी रहती थी तो अभी ये चीज़ है कि अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसलिए अभी मैंने कर लिया कि अब मुझे यहीं पर रहना है एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर अहेड आई एम ओपनिंग माई ओन ब्रांड सो उसके लिए भी बहुत सारी अभी प्रिपेरेशन चल रही है सो या लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग आपको कैसा लग रहा है मुझे तो मजा आ रहा है क्या मुझे भी जिस कंटेस्टेंट को जिस कंटेस्टेंट को रोडीज पे इतना प्यार मिला है तो इनसाइडर के उसमें तो उसको बहुत बहुत प्यार मिलने वाला है एंड एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट शिविर इज अ कंटेंट तो रोडीज तो इस बार फटने वाला है फॉर श्योर किसके लिए रोडीज के लिए नहीं नहीं मेरे कोई प्लान्स नहीं है रोडीज के लिए आई एम हैप्पी इन माई इन्फ्लुएंसिंग थिंग सो या थैंक यू सो मच थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू हिम मैंने उन्हें एज अ पर्सन जितना भी देखा है जाना है क्योंकि हम लोग बहुत आसपास ही रहते हैं तो ही इज़ अ जेम काइंड ऑफ अ पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे बहुत प्यारे हैं एंड आई विश हिम ऑल द लक सक्सेस भगवान करे बहुत मूवीज़ करे वो हिट हिट एंड बस लॉट ऑफ सक्सेस टू हिम दो घंटों में राइट गायब है वो मुझे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है अभी वो दो घंटे पहले से प्रिपरेशन चल रही है थोड़ी बट ठीक है आई एम तो वेरी एक्साइटेड बर्थडे के लिए और बाकी तो ठीक है इस बार थोड़ा ज़्यादा स्पेशल लग रहा है क्योंकि 1.5 साल बाद हम लोग वापस साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है मम्मी पापा से दूर हो तो थोड़ा बुरा लग रहा है बट उनकी थोड़ी कमी फुलफिल करने के लिए यहाँ मेरे दोस्त हैं अनिका रुशाली वगैरह तो शादी में थोड़ा सा एक्चुअली मैं अब वो वाली जल्दबाजी नहीं करना चाहती जिसकी वजह से पहले रिलेशन ख़राब हो गया तो आई वांट थोड़ा सा टाइम और मुझे लगता है कि दिव्यांश को भी वो थोड़ा टाइम चाहिए बिकॉज मैं जिस चीज़ की वजह से पहले परेशान थी एरोगेंसी वो मैं चाहती हूँ कि मैं ऑब्जर्व करूँ कि वो कम हो रहा है तो आई थिंक फिर हम लोग आगे टाइम स्पेंड कर पाएंगे लाइफ स्पेंड कर पाएंगे साथ में तो आई एम गिविंग सफिशेंट टाइम उसके बाद में डेफिनेटली मे बी 2-3 साल थैंक यू सो मच थैंक यू मुझे बहुत मजा आ रहा है ऑनेस्टली क्योंकि मैंने OTT देखा आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड इस बार जब विवियन की एंट्री हुई तो जब विवियन की एंट्री हुई इट वाज अमेजिंग मुझे पता नहीं उसको देख के ऐसे लगा था सिद्धार्थ शुक्ला का एक आई वोंट से उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है ही हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी बट मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के बाद अगर कोई छाएगा बिग बॉस पे तो इट्स विवियन क्योंकि वो बहुत अमेजिंगली खेल रहा है गेम एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस बार के बिग बॉस में आपके टॉप 3 बिग बॉस सो मेरे जो टॉप 3 है वो सबसे पहले तो विवियन है उसके बाद आई थिंक ईशा बिकॉज मेरे को शुरू में आलस अच्छी लगी थी बट शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल एंड करणवीर यार खुश रहो और तरक्की करते रहो अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी को बिल्कुल अट्रैक्ट मत करो दूर भागो उससे ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू इधर
जाइए आ जाइए आ जाइए. नाइस, थैंक यू. बताइए गाइस क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? बारिश नहीं हुई नहीं तो क्या होता आपके सेटअप का? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू. मतलब टाइम मिल गया, मतलब मैं जब देख रहा था आपने स्टोरी डाली, बस भाई सेट से ही आ रहा हूँ सीधा. बहुत अच्छा लग रहा है. अब श्रेया ने प्लान किया है, वैसे तो मैं पता था कुछ प्लान ये कर रही है, बट इतने सारे लोग आ जाएंगे इसका आइडिया नहीं था. बट ऑब्वियसली यार बर्थडे है, आपको जब कोई स्पेशल फील कराता है तो यू फील नाइस, सो थैंक यू सो मच. वेलकम फॉर मेकिंग मी फील स्पेशल. वैसे तो एज बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई बूढ़े होने वाले हैं बहुत जल्दी. फालतू बात मत करो यार. तो ठीक है यार, एज इज जस्ट अ नंबर. शादी यार कौन करेगा यार, शादी शादी कौन करता है? सलमान खान सर के फैन है हम. सही बात है. देखते हैं क्या होता है, ऐसी बात है. सरप्राइज बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था. एंड ये जो मैंने सूट पहना ये भी इसने ही ला के दिया है, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे आज ये पहनने वाला हूँ मैं, तो इट वॉज रियली नाइस. अरे भाई इतने दोस्त थोड़ी है मेरे. एक ही दोस्त है और मैं सिंधी हूँ, मैं बता दूँ तो मैं बहुत कंजूस हूँ. तो अगर सरप्राइज पार्टी रखी तो यार इट्स माय फर्स्ट एंड आई वांटेड टू बी ग्रेट एंड ग्रैंड, तो आई होप आई ट्राइड टू मेक समथिंग. आई होप यू आर हैप्पी. ओके नाइस. क्या अभी क्या अभी तक तो कोई गिफ्ट नहीं मिला है वैसे. मैं गिफ्ट हूँ गाइस, आई एम द गिफ्ट. खैर हमें अभी पता नहीं है बट ठीक है. तो अभी किसी को नहीं पता, बट हाँ चाकू तो लगा है उन्हें. एंड वो हॉस्पिटल में, आज अभी हॉस्पिटल का सीन करके आ रहा हूँ, तो अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं ऑब्वियसली. बट अभी किसने किया ये तो अभी धीरे धीरे ही पता लगेगा, वो तो आगे जाके. आई थिंक वो ऐसा सीन था ना जहाँ पे सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, बिकॉज वहाँ पे ना एक्चुअली हुआ कहता है जो नानी सा थी ऑलरेडी वो बहुत ऐसा दबदबा है उनका घर में, वेरी वेरी सीरियस वेरी पॉश. बट जब उनकी जो कहते हैं ना उनकी सास या उनकी बहन बड़ी बहन बड़ी बहन आई थी, जब वो आई ना तो ये बिल्कुल ऐसे ड्रामेटिक वे में, जैसा उसका एंट्री दिखाया है ना तुमने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, इट वॉज वेरी ड्रामेटिक. वो मतलब जा रही है दीदी दीदी करते हुए जा रही है स्लो मोशन में, पैर पकड़ ले रही है. तो हम लोग घर वाले शौक थे देख के कि इतना ज्यादा ये किसके आगे झुक सकती है, मतलब वो सुपर पावर होता है ना बॉस का बॉस, जैसे तुम झुक मतलब जाते हो मेरे सामने. मजनू भाई का बॉस थे ना वो, आते तुम झुक जाते हो मेरे सामने. हां तो यार बहुत अच्छा है. आई थिंक लास्ट सीजन आपने देखा ही था, आई वाज अ कंटेस्टेंट देयर. एंड अभी जर्नी बढ़ती जा रही है अगेन, वो भी वापस से एमटीवी में जा रही है और बेटर पोजीशन पे जा रही है. आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है, ये देख के अच्छा तो लग ही रहा है. बट आई एम मिसिंग एम टी वी रोडीज दिस टाइम, एंड मेरे बहुत सारे फेलो फ्रेंड्स हैं जो कि ऑलरेडी एम टी वी फैमिली के हैं, तो लगता है यार कि थोड़ा और एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बिकॉज एक्चुअली वो रियलिटी शोज बहुत फन होते हैं. बट ठीक है, अभी स्टार प्लस का पार्ट हो गया हूँ तो धीरे कभी मौका मिलेगा वापस एम टी वी पर आने का तो वो भी करेंगे. क्या कहना चाहिए? देखिए आप लोगों को तो पता ही, आप लोग सेट पे मुझे मिलते हैं ये रिश्ता के सेट पे, और मुझे ऐसा लगता है जब मेरा पहला शो था ना अनुपमा, उन्होंने वो राजन सर ने मुझे दिया था, मुझे आज भी याद है. आज से डेढ़ साल पहले जब मैं राजन सर के केबिन में बैठा था और मैंने उनसे बोला था दैट सर मैं नॉन एक्टर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ पर मैं एक्टिंग में कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था उस समय निर्मित का कैरेक्टर, और जो मैं रूपाली गांगुली और गौरव सर के साथ किया था अनुपमा,
तो मुझे लगता है मैं उनका फेथ डिस्ट्रॉय करके कोई काम नहीं करना चाहता। इवन दो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है बिग बॉस के मेकर्स के लिए कि उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि वो चाहते थे कि मैं उनके शो में आऊँ। अच्छा लग रहा है। आई थिंक इस बार अभी तो लोग बहुत सबका अलग अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ऐसा है ना कि इस बार जो लोग आए ना बहुत बैलेंस्ड आए हैं। मतलब तो मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग आए हैं जो बहुत ज़्यादा फट सकते हैं बट वो अभी नहीं फट रहे हैं। आई थिंक वो अच्छी चीज़ है कि नेचुरली कोई चीज़ बाहर आए। इवन दो जो हमने लास्ट सीजन देखा था पहले एपिसोड से ही लोगों की लड़ाइयाँ चालू हो गई थी और फटने लगे थे ओवर द टॉप, जो कि आई थिंक थोड़ा सा फेक था, थोड़ा सा बनावटी था। बट इस बार लोग बहुत ज़्यादा ना कन्फाइंड है एंड वो जब तक उनको वैसा स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा ना तब तक वो उस लेवल पर नहीं आएंगे। बट सबके अंदर कैपेसिटी है, जैसे शहजादा है उसमें और विवियन है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई थिंक बहुत हैवी किसी को जवाब दे सकते हैं बट दे आर होल्डिंग ऑन टू देमसेल्व्स। वो आगे पता लगेगा वो कितना खुलते हैं। मेरा ऐसा मानना है ना अगर आप किसी शो में हो ना तो वहाँ पे ठीक है सीनियर है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है बट आपको उन्हीं लोगों से फाइट करना है। यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट यू हैव टू फाइट विद देम ओनली बिकॉज वही वो लोग होंगे जिनसे आप टास्क करोगे, उन्हीं से भिड़ोगे, उन्हीं से हाथापाई भी हो सकती है बिकॉज टास्क कैसा होता है, उन्हीं से राशन की लड़ाई करनी है, उन्हीं को हराना है और उन्हीं से जीतना है। तो अगर हाइपोथेटिकली जो सिचुएशन हमारे सामने होता है उस हिसाब से देखा जाए तो सीनियर ठीक है बट ऐसा पहले भी हुआ है कि यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ एंड अगर आपका ओपिनियन है तो यू हैव टू पुट ऑन। अगर हम भी शायद होते तो हम भी अपना ओपिनियन रखते अगर हमें लग रहा है कि नहीं कोई ऐसा सीनियर बंदा है जो कि मेरे को ऐसा कुछ बोल रहा है जो कि मेरे ईगो को हर्ट कर रहा है फिर मेरे लिए अच्छा नहीं है तो वहाँ पर वो चीज़ तो आई थिंक इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और ये चीज़ को साइड रख देना चाहिए सीनियर। और नहीं मिला उसे कोई कनेक्शन बेचारा आई थिंक सेकेंड वीक में बाहर हो गया वो। लड़की देखो इसको लड़की चाहिए जो बिल्कुल तगड़ी शेरनी हो, ठीक है, हल्की फुल्की नहीं चलेगी उसको। अच्छा वाह यार, वाह यार। और तो अभी मुझे लगता है ही इज नॉट इवन लुकिंग फॉर वन, तो क्या करेगा फिर डेटिंग शो में जाके। यार देखो पसंद तो आपको बहुत चीजें आ जाती है, मुझे भी सलमान खान पसंद है बट वो मेरे थोड़ी है। वो किसके हैं? किसी के किसके हैं पता नहीं, तो जिसके हैं वो खुश है। तो पसंद तो सबको आएंगे, अब जिनके हैं वो खुश है। हां भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू चलो थैंक यू गाइस थैंक यू थैंक यू। यार मुझे ऐसे लगता है कि दोस्त बहुत होते हैं लाइफ में बट दोस्त के रूप में भाई बहुत कम लोग होते हैं। तो हम लोगों की जो बॉन्डिंग है, जो दोस्ती है, वो आप लोगों ने शोज पे तो देखी होगी बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो रियल साइड में जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग हैं। एक बोलते हैं ना कि अगर आप इंसान को अगर 10 दिन भी ना मिलो और अगर 11वें दिन मिलो सेम इज्जत सेम रिस्पेक्ट और सेम प्यार महसूस होता है। तो ऋषभ के लिए यार मैं इतना ही दुआएं करता हूँ कि वो जिस जगह से उठकर आया है बनारस से और जैसा आज मुकाम वो हासिल कर रहा है, बड़े बड़े लोग इतनी जल्दी चीज़ें अचीव नहीं कर पाते जो वो माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड सब लोगों ने जय और वीरो गाई है हमेशा, रोडीज पे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था। तो यार मुझे लगता है कि ये जो दोस्त थे ना बिना एक्सपेक्टेशन के ये चलती रहनी चाहिए बस। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई फील। गाइस लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है द सचिन स्पॉटलाइट से बिकॉज हम लोग 2 महीने से लोगों को परेशान कर रहे हैं आने वाला है। सो फाइनली आज टीजर आ गया गाइज एंड
मतलब मुंबई में आके ना बहुत सारे सपने देखे थे, और ये सबसे बड़ा सपना था कि यार खुद का एक शो होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले 2 महीने में इतनी मेहनत करी है, और डेफिनेटली आज टीज़र रिलीज हो गया है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसको ऑलरेडी। एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है ना कि आप जब आप कुछ देखते हो कि कुछ इंटेंस आ रहा है, तो लोग देखना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में। सो आई थिंक ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ट्रीट होने वाली है, जो लोग स्प्लिट्स वाला फॉलो कर रहे हैं, जो लोग रोडीज फॉलो कर रहे हैं, और जिनको इनसाइट चाहिए ना, जिनको गॉसिप चाहिए, जिनको बहुत कुछ चाहिए। सो ये उन लोगों के लिए है। और यार देखो, आज दशहरा है, हम लोग हमेशा समझते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, ऐसे ही झूठ पे सत्य की जीत होती है, तो सच बेच रहे हैं, तो मज़ा आएगा आप लोगों को ये शो देखने में। यार रूमर्स तो चलते ही रहते हैं, मुझे लगता है रूमर्स चलते रहना चाहिए, और मैं मेरे मैनिफेस्ट में हमेशा अच्छी चीज़ें रखता हूँ। मैंने बस इतना फील करता हूँ कि अगर 10-15 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया मैंने लाइफ में, अगर बिग बॉस गया ना तो बिग बॉस हिलाकर आना है इस बार। यार पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि हरियाणवी लोग काफ़ी ओवरटेक कर लेते हैं सीज़न को इन द बिगनिंग, तो रजत काफ़ी डायनेमिक्स दिखा रहा है शो में। और पता नहीं यार, मैं जब भी ना बिग बॉस से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ ना, वो मिलता नहीं इन रिटर्न, तो मुझे लग रहा है कि अभी वो सीज़न ने ना वो पिकअप नहीं किया जैसा करना चाहिए था। जैसे शो आता है तो पता लगता है कि यार बिग बॉस 18 पहुँच गया, इतने सारे फाड़ू फाड़ू कंटेस्टेंट हैं, वो बस तो नहीं है, बट डेफिनेटली डिसेंट चल रहा है आई थिंक सीज़न, कुछ अच्छे लोग चाहिए शायद। माय टॉप कंटेस्टेंट्स कुछ लोग मिसिंग है शायद, होते वो टॉप पर। यार मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो द सचिन स्पॉटलाइट है फाइनली 15-16 अक्टूबर को आ जाएगा, प्लीज़ देखना, बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से, बिना सोए, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, बहुत ही दिल से बनाया है, आप लोग देखोगे आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एंड टॉप 3 इफ़ आई कैन से, सो आई फील अविनाश, रजत एंड एक लड़की, मुझे नाम याद नहीं है, बट शी इज़ वेरी पावरफुल आई थिंक, दीज आर टॉप 3 फॉर मी। थैंक यू ब्रदर।